फुल रश है जी, यहाँ काफी लोग यहीं सफर करते हैं। ये देखें जी, हमारे लॉबी है हमारे रूम की, और ये रूम हमारा 301। ये देखें जी, ये उमेर भाई का बेड था और वो वाला मेरा बेड था। रूम है कुछ इस तरह। उमेर भाई भी रेडी हो गए हैं और आपका भाई भी रेडी हो गया है। आज हम ब्लू ब्लू पहनकर जाने की सोच रहे हैं। उमेर भाई रेडी हो? हाँ यार, कुछ से पहले काफी दिनों से पैंट शर्ट पहन रहा था तो मैंने कहा आज कुछ चेंज है। चलो चलो ठीक है, चलो मैं भी हम अपने एयरपोर्ट ले लेते हैं। आपको पता हमारा एयरपोर्ट के बगैर गुजारा तो है कोई नहीं। तो जी जनाब, बाकी ये इधर बैठने की सिटिंग एरिया है, इधर ये स्टडी एरिया है, चाय वगैरह का सामान है, सारी चीज़ें हैं। पानी में उठा देता हूँ अपना और चलते हैं सीधा फटाफट। एसी वाला सिस्टम इसका डक वाला है, देख रहे हैं इसको सारे को कम ज़्यादा बंदा कैसे करे समझ नहीं आता। फिलहाल चलता हूँ, फ़ोन ले लो अपना। चलो तो ठीक है जी, चल रहे हैं सीधा सीधा बाहर। हनी भी नीचे आया होगा क्योंकि ये टू बेड ही रूम था। चलते हैं हम सीधा लिफ्ट में बैठ कर नीचे, आप लोग रहे साथ साथ। ये आ गई जी लिफ्ट जी जनाब, अभी टू फ्लोर पे खड़ी है, फिर अभी नीचे आ जाएगी है। ये आ गई जी थ्री फ्लोर पे, ये तो नीचे जा रही है। हाँ अब मुझे लेके जाएगी जी जनाब, हमें आप ले जाएं जी पे, जी फोर ग्राउंड। कैसा लग रहा है आपका भाई? ज़बरदस्त लग रहा है। और ब्लू ब्लू पहन लिया था हमने। और ये देखें आपका भाई ना आजकल वो नहीं यूज कर रहा, क्या कहते हैं स्टैंड। और ये देखें ये क्या प्रॉन्ज है, ये डिशेज लगाई हुई है इन्होंने ना, ये सारी इन्होंने गलत गलत चीज़ें भी लगाई हुई हैं हर लिफ्ट में। और हमारे ना होटल में ना बार भी है, ये देखें। मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन ये है, ये होटल है। ये हनी साहब आ गए, कैसे हैं हनी साहब आप? ठीक हैं? घूम फिर के आ गए आप? घूम फिर के आ गए? अभी उमेर भाई भी आते हैं, अभी चलते हैं बाहर भी दिखाता हूँ कि बाहर से क्या माहौल है जी। ऊपर रखाओ 301, तो मैं देता हूँ। ये देखें जी बाहर से कुछ इस तरह, ये देखो ये होटल भी दिखाता चलूँ आपको। ये होटल है, अनिल साहब को कहते हैं कि आईडी दो तो मैं ऊपर जाने दूंगा, तो भेजता हूँ उसको ना बैग उसका। ये है जी दुबई की मेट्रो। मैंने कहा टैक्सी का सफ़र तो आपको दिखा दिया, अब ज़रा मेट्रो का सफ़र भी आपको दिखा दें और क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी अंदर से मेट्रो के हाल, फुल रश है जी, यहाँ काफ़ी लोग यहीं सफ़र करते हैं मेट्रो पे, बहुत आवाम सफ़र करती है मेट्रो पे। ये है जी यहाँ के मेट्रो। ये देखें जी मेट्रो, चेक करें आप, कमाल यार, मज़े की मेट्रो है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की मेट्रो है, आला। और ना इनका ना कार्ड सिस्टम है, तो कार्ड लेना पड़ता है। ये वाला इनका कार्ड है 25 दरम का, और ये इसमें पैसे होते हैं 5 दरम का, मेरा कार्ड है 20 दरम इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, 25 दरम का लेना पड़ता है। तो फिर आपने जहाँ भी जाना है आप मेट्रो के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। और मेट्रो निज़ाम इनका बहुत बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से पाँच दरम नहीं है बाकी आपको ये मज़ा टैक्सी में नहीं आना था जो आपको आ रहा है। और व्यू नहीं दिखने को मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त मॉल है ये देखें। और हम 5 दरम में, सिर्फ और सिर्फ 5 दरम के अंदर हम, और राइट से बुर्ज खलीफा आ गए 8 दरम में। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और टैक्सी में छोटी सी जगह पे जाते हैं 100 दरम 50 दरम तो मस्ट है ना। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मेट्रो पे सफ़र करके देखें, जबकि मैंने सुना था बड़ी मेट्रो बड़ी फेमस है। मैंने कहा चलो आप लोगों से भी डिस्कस करें, खुद भी इंजॉय करें। ये भी हम मेट्रो के अंदर ही फिर रहे हैं। ये है जी दुबई मॉल की एंट्रेंस मेट्रो से, ये देखें। यकीन करें गाड़ी से ज़्यादा मज़ेदार मज़ा आया। मैंने कहा गाड़ी में आते तो मैंने देखी है ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपकी सोच से ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक फंसी रहती है। हम मैक्सिमम
20 मिनट्स में आऊँगा नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट्स में हम आ गए हैं और माहौल कुछ ऐसे है। बास्किन रॉबिन आइसक्रीम, ये तो हमारे पाकिस्तानों को डिफरेंट चीज़ दिखाएं, पाकिस्तानी इस टाइप की नहीं। ओके, बाकी आज आपको पूरा मॉल इंशाल्लाह घुमाएंगे फिराएंगे, आप लोग रहें साथ साथ, क्यों नहीं, क्या करें साथ साथ, साथ साथ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और टन टन होंगे। आपका भाई दुबई में है, दुबई मॉल में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये है जी जनाब दुबई मॉल, वो देखें, वेलकम टू दुबई मॉल। ये बहुत ही बड़ी प्लेस है, ये बहुत ही बड़ी है, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा विजिट कराता हूँ। मैं पहले भी आया था लेकिन टाइम पहले आया था। ये देखें, ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, क्या बात है, पूरे स्टोर हैं इनके, हर चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है। बाकी घूमते हैं, आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, आप लोग रहें साथ साथ, जाना नहीं है वीडियो छोड़ के, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें जी अल बैक, मशहूर व मारूफ पार्ट्स फूड चेन, और इसकी लाइन चेक कर लें आप, पीछे से शुरू हो रही है और ये फिर लाइन जाने के बाद, फिर वहाँ लाइन लगने के बाद तकरीबन कोई एक से डेढ़ घंटा वेट करने के बाद आपका ऑर्डर आएगा। तो ये है जी बंदे का नसीब, यानी कि दो दो घंटे लाइन में लगने के बाद आपको खाना आएगा और उससे पहले बंदा मर जाए। तो मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया, मैं बैग नहीं खा रहा, मैं बाहर से खा लूँगा, अब मैं इधर कोई और चीज़ चेक करता हूँ, कोई हार्डीज वगैरह कोई और चीज़ ले लेता हूँ यार। एंड आप लाइन चेक करें, बहुत ही बड़ी लाइन है, ये देखें, और ये पैसे भी लेते हैं, ये फ्री में नहीं देते, कहीं आप लोग समझे फ्री में देते हैं तो इतनी लंबी लाइन है भाई, पैसे लेते हैं 30-30 दरम 40-40 दरम। और इनकी लाइन देखें आप, लाइन नहीं ख़त्म हो, कह रहे हैं जी इतनी भूख है, आपको बता भी नहीं सकता। ये मेरे इस टाइम नाश्ता हो रहा है क्योंकि मैं थका हुआ था, सोया हुआ था, और अल बैक का तो आपको बताया, वहाँ तो ऐसे जैसे फ्री हो, KFC मंगवा लिया था, मैंने कहता जी मैं खोल लूँ, खाते जी KFC पाकिस्तान का KFC टेस्ट किया हुआ है, अगर दुबई का टेस्ट भी चेक कर लें KFC का कैसा है। तो इस टाइम भूख बहुत लग रही है, और मैं बताता चलूँ इसकी क्या प्राइस है, मैंने कहा से 70 दरम, यानी कि 70 दरम की दो डील्स हैं, और ये बोतल का साइज़ जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, हाथ में इतना बोतल का साइज़ है, तो इसलिए हमने दो ही मंगवा ली। मैंने कहा भाई डाइटिंग पर लगे रहते हैं, इतनी बोतलें ना पिया करें, और यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है, खाना खा लें फिर मिलते हैं आपसे। डांसिंग फाउंटेन, और ये गाने पे डांस करेगा पानी, ये देखो।
गाइस कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। और दुबई मॉल में आपको ले चलते हैं, अभी पहले भी दुबई मॉल के अंदर ही फिरे थे, मैंने कहा चलो जरा आपको डांसिंग फाउंटेन भी दिखा दूँ, मैंने पहले भी देखा हुआ था, मैंने कहा उस टाइम तो व्लॉगिंग नहीं करता था, आप करता हूँ, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी दिखाता चलो साथ साथ। और ये देखें मेरा प्लान हो रहा है बोटिंग करने का, अभी चलते हैं बोटिंग करते हैं, बोटिंग ये वाली वो वाली तो नहीं है, वो वाली बोटिंग इंशाल्लाह वो भी करेंगे, आप लोग रहें साथ साथ। और बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, पहले इतना मज़ा नहीं आया था, अब बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, देखा आपने मज़ा आया आप लोगों को, लाइन देख रहे हैं आप लोग कितनी लंबी है, और ये बोट की ही लाइन है, तो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया कि बोट पे मैं नहीं जा रहा। और ये देखें क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी। और एक और बड़ी ज़बरदस्त प्लेस थी, मैंने कहा आप दोस्त भाइयों से शेयर करता चलूं, और हनी कहते हैं यहाँ टिकटॉक बड़ी अच्छी बनेगी उमर भाई, मैंने कहा जी ठीक है जी टिकटॉक भी बना लेंगे हम, कोई मसला नहीं है, लेकिन व्यू वाकई में बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। और वो कौन सी एरिया है, उधर कैसे जाया जाएगा, अच्छा उधर से, ये देखें जी ये दुबई मॉल के अंदर से है, ऐसा लगता है जैसे बंदे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं, ये स्टैचू हैं सारे के सारे ना, स्टैचू इन्होंने खड़े किए हैं। और भी बड़े मज़ेदार प्लेसेस हैं इधर, वो भी आप शेयर करते हैं, ये बताएं आपको इंजॉय हो रहा है आप, पहले तो ये बताएं आप लोग इंजॉय कर रहे हैं मेरे व्लॉग से, और अगर कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। ये देखें इस साइड पर भी है, और इस साइड पर भी है, ये देखें पाकिस्तान में तो आपको पता है कि एप्पल स्टोर नहीं है, और दुबई में एप्पल स्टोर है, ये देखें और सारी शॉप्स हैं सारे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं प्राइस इनकी पाकिस्तान में, क्या प्राइस इनकी, प्राइस इधर नहीं लिखी हुई, ये 15 प्लस है, और ये वाला जो मॉडल है ये खाली 15 है, और ये 15 प्रो है, और ये 15 प्रो मैक्स है जो मेरे पास है, ये वाला कलर। प्राइस कैसे पता लगेगी इनकी प्राइस किधर है, मैडम ने पता किया था, वो हमें बता रहा था कि 6600 राउंड अबाउट, यानी कि 6600 धर्म का पाकिस्तान में सस्ता है। तो घूमते घूमते आ गए जी हम यहाँ पे एक्वेरियम पे ना, यहाँ पे मछलियाँ चेक करें आप लोग, क्या बात, ये रियल मछलियाँ, लगता है कि वॉलपेपर है, बट वॉलपेपर नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक्वेरियम है ये, और ये इतना बड़ा है, और ये एक नहीं है, ये देखें ये चलता जाएगा, ये देखें ख़त्म ही नहीं होता, इतना बड़ा ये, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं, ये देखें, ये देखें क्या बात है। ये हैं जी कुछ नज़ारे दुबई मॉल के जो आपको मैंने दिखाए, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आगे हम देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, मैं खुद कम इन्जॉय कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग ज़्यादा बना रहा हूँ, चलो मेरे दोस्त भाई भी इंजॉय करें, हम तो कर ही रहे हैं, मैं ऐसे इंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो में इंजॉय करें, पर इंजॉय करें, ये देखें उत्ते देखियो, वो देखियो किनिया मछलियाँ ने, मैं तो सोच रहा इन कट्टा तो खावा, तुसी मेरे नाल जुड़ जाओ सारे, इनिया मछलियाँ ने साढ़े जिन्हें सब्सक्राइबर ने सारियाँ मिल के खावे जी। गाइस आप तो भाई घूमते घूमते आ गया रूम में, और बहुत ही ज़्यादा थक गया है क्योंकि मेट्रो का जो सफ़र है बड़ा चलना पड़ता है, और हनी को मैंने कहा यार कोई एनर्जी ड्रिंक ले ले, तो फिर इसने पावर ले ली है मेरे ख्याल से ना,
और अंदर आया तो मेहर साहब तो वैसे आपको पता है कि लेटे हुए हैं। ये किंग पावर, किंग पावर है जी, एनर्जी ड्रिंक। और ना मेरे ना क्या नाम, आपने जो ड्रिंक मंगवाई थी ना, कोक मंगवाई थी आपने, कोक ही पिया आप, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नींबू एक हाफ कर लेते ना, दस दरम दे दो उसको, फिर एक बच गया सिक्का, तो मैं क्या नींबू दे दें। तो जी ये रूम है, अभी टिकटॉक लाइव चलाएंगे यहाँ बैठ के हम, और हनी साहब का रूम जो है वो साथ ही है। हनी साहब हमारे साथ नहीं रहते, वो आ जाते हैं हमारे उठने से पहले, और रात को सोने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, आपका भाई उमर शेख। और जाते जाते एक और बात, मैंने दाढ़ी मुझे सेट कराई है पूरे 15 दरम, देखें हिसाब लगा रहे ना 15 दरम बनते कितने, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।